हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर से हाजिर हूँ और एक नए वीडियो के साथ। जितने भी प्लास्टिक्स होता है ना, तो ये सब को जमा करना हम हाउसवाइफ्स का एक नशा है, पागलपन है कह सकते हैं। और मैं ना इस तरह से एक डस्टबिन जैसा एक मेरा बकेट है, मैं उसमें इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ। मतलब बहुत सारा जब प्लास्टिक्स हो जाता है ना, तो मैं इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ। और ये सब जो प्लास्टिक है ना, ऐसा नहीं है कि ये काम का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मैं ना इसी से रिलेटेड 13 टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो प्लास्टिक है, ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है और कितने वैरायटी वे में आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं डिटेल्स में सब कुछ दिखाऊँगी और आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, वन बाय वन जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप एंड तक बने रहना। तो चलिए, सबसे पहले मैं टिप नंबर वन से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ना, आप इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। और ये देखिए, ये जो बॉक्स है ना, ये तो सबके घर में मिल ही जाएगा, क्योंकि पार्सल आता है और कोई भी कुछ इस तरह से सामान जो आता है ना, तो ये जो बॉक्स है ये यूज़ नहीं होता है। तो इस बॉक्स से ना आप आसानी से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मेरे पास बहुत सारा जब प्लास्टिक जमा हो जाता है ना, तो मैं इस तरह से एक जो मेरा बकेट देख रहे हैं ब्लू कलर का, मैं इसमें इस तरह से फोल्ड करके रख देती हूँ। और कुछ जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है ना, तो मैं इस तरह से छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ और मेरे किचन स्लैब में रख देती हूँ। और प्लास्टिक तो रेगुलर यूज़ होता है, मतलब आप चाहे या ना चाहे प्लास्टिक आपको चाहिए, तो इस तरह से ना इसमें निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और ये देखिए, इस बकेट में कितना सारा प्लास्टिक जमा हो गया है। तो जब बहुत सारा प्लास्टिक जमा हो जाता है ना, तो मैं कुछ यहाँ से निकाल लेती हूँ और मैं इस तरह से एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ और उसमें इस तरह से फोल्ड करके रख देती हूँ। और आप जब रखें ना ऑर्गेनाइज़र में, तो किस तरह से रखें मैं ये भी आपको दिखा रही हूँ। जितने भी प्लास्टिक्स हैं जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं ऑर्गेनाइज़र में, तो इस तरह से आप एक के बाद एक फोल्ड कर लीजिए और एक के बाद इस तरह से रखते जाइए। तो देखिए मैं किस तरह से रख रही हूँ, और एक के ऊपर एक ही आपको इस तरह से स्टैक करके रखना होगा, ताकि जब आप निकालें ना, तब निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखिए, एक छोटा सा मैंने प्लास्टिक जो है इसको मैंने निकाल के रख दिया है, ताकि इसको निकालना ईजी हो जाए। और देखिए, एक के बाद एक इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना यूज़फुल है, छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र, तो आप घर में आसानी से बना सकते हैं और इसको घर में बना के किचन में रख सकते हैं, और एक्स्ट्रा जो भी प्लास्टिक है इसको आप अलग से स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए, टिप नंबर टू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने ना कुछ आलू बॉईल कर लिया है, और आलू बॉईल करने के बाद ना छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई कई बार हम लोग जब हड़बड़ाहट में खाना बनाते हैं, तो इस तरह से नीटली ये नहीं पील होती है। तो इसके लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो आप क्या कीजिए, जो आलू है ना, इसको आप इस तरह से बीचों बीच काट लीजिए। और इस तरह से काट लेने के बाद ना, देखिए कितने आसानी से ये जो छिलका है निकल के आ गया। तो एक ही बार में पूरी तरह से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको जल्दबाजी हो ना आलू छीलने का, तो आप इस तरह से टू पीसेस में कट कर लीजिए और आसानी से छील लीजिए। अब प्रॉब्लम आ जाती है, ये जो छिलका है ना, इसको हम लोग यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं और गंदा हो जाता है हर तरफ। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो आप क्या कीजिए, एक इस तरह से बास्केट ले लीजिए और एक ले लीजिए पॉली बैग। अब जो पॉली बैग है ना, आप इसको इस तरह से पहना दीजिए। तो मेरा जो बास्केट है ना, ये थोड़ा सा लंबा शेप में है, तो आपके पास में गोल, स्क्वायर, ट्रायंगल, जिस भी शेप में है, आप आसानी से इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको बीचों बीच इस तरह से पहना दिया है, और हाफ पोर्शन में जितने भी बॉईल किया हुआ आलू है ना, मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। और हाफ पोर्शन में जो प्लास्टिक है, मैं इसके ऊपर जो आलू का छिलका है, मैं छीलती जाऊँगी और प्लास्टिक के ऊपर रखती जाऊँगी। तो देखिए, एक ही जगह पे दो काम हो गया, मतलब एक तरफ से आप आलू छीलते जाइए और दूसरी तरफ इस तरह से आलू का जो छिलका है इसको इस तरह से रखते जाइए। तो हर तरफ ये मैस भी नहीं होगा, और आसानी से जो भी काम है ये झटपट आप निपटा सकते हैं। और प्लास्टिक तो ऐसे ही हम लोग डस्टबिन में फेंक ही देते हैं, तो क्यों ना फेंकने से पहले एक काम में लगा ले। तो देखिए, मैं किस तरह से झटपट जितने भी आलू हैं मैंने इसको छील लिया है। इसी तरह से ना आप प्याज भी छील सकते हैं, नहीं तो कोई वेजिटेबल्स भी इस तरह से काट सकते हैं। मतलब एक तरह से आप पील करते जाइए, और जो भी छिलका है इसको आप प्लास्टिक में फेंकते जाइए, और एक साइड पे जो छिला हुआ जो वेजिटेबल्स है, प्याज है या आलू है, आप इसको इस तरह से रख दीजिए।
तो बहुत ही आसानी से ना, इस तरह से बहुत ही छोटी छोटी और इजी सा जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है ये आप फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करके जितने भी आपके किचन के काम है ये भी आप इजी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने किस तरह से पील कर लिया है। अब पूरा जो प्लास्टिक है मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी और निकाल के डायरेक्ट मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी। तो यहाँ हुआ गंदा भी नहीं हुआ, जो भी छिलका है ये उड़ा भी नहीं, तो बस आसानी से मेरा जो काम है ये नीटली कम्प्लीट हो गया। अब चलिए टिप नंबर 4 शेयर करती हूँ, और ये जो टिप नंबर 4 है ना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों मैं ये भी बताती हूँ, मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो मेरे पास एक मोबाइल हमेशा रहता है, क्योंकि मैं उसमें गीता भी सुनती रहती हूँ, कभी मैं गाना भी सुनती रहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, खाना बनाते बनाते ना मैं जब चैनल चेंज करती रहती हूँ या बार बार जब मैं मोबाइल को हाथ लगाती हूँ स्क्रीन पे, तो इसमें क्या होता है मेरे हाथ में कभी तेल रहता है कभी मसाला रहता है तो वो स्क्रीन में आ जाती है, और इससे ना मोबाइल का ख़राब होने का खतरा तो रहता ही है। इसके साथ साथ आप ध्यान दे के देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर ना बहुत सारा हैंड प्रिंट्स आ जाता है फिंगर्स का, हैंड का, और इससे ना आप नोटिस कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर ना जो स्टेन आता है ये एकदम इजीली विजिबल हो जाता है, और देखने में ख़राब तो लगता ही है लेकिन बार बार आपको क्लीन भी करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो जो भी प्लास्टिक है आप इसको इस तरह से रैप कर दीजिए और इस तरह से टेप ले लीजिए और पीछे अच्छी तरह से आप इसको सिक्योर कर दीजिए ताकि ये खुले ना, और जब आपका कुकिंग हो जाए तो जो भी प्लास्टिक है इसको आप निकाल लीजिए और डस्टबिन में फेंक दीजिए। और कभी कभी ना हम लोग रेनी सीजन में जब बाहर जाते हैं और बारिश तो अचानक से आ जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो बैग में हो या हाथ में हो या पॉकेट में हो कहीं भी जो मोबाइल इस तरह से रहता है ना तो भीगने का भी खतरा रहता है। तो आप इस तरह से ना बाहर निकलने से पहले एक प्लास्टिक से इस तरह से रैप कर सकते हैं आपका जो मोबाइल है, और ये एकदम सिक्योर हो जाएगा। और आप सोच रहे हैं कि मैंने इस तरह से प्लास्टिक से रैप कर दिया है तो ये चलेगा कैसे, ये इजीली चलेगा, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने जो स्क्रीन है इसको मैंने इस तरह से ऑन कर दिया है, और आसानी से आप इस तरह से जो मोबाइल है इसको आप चला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर प्लास्टिक है और आपका मोबाइल जो है ये हैंग हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये आसानी से चलेगा। और मोबाइल तो एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग 24 घंटा इसको यूज़ करते हैं, घर में हो बाहर में हो, तो आप इस तरह से आपका जो फ़ोन है आप सिक्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभी बच्चे जब फ़ोन लेते हैं ना तो कभी खाना हो मिल्क हो इस तरह से फ़ोन के ऊपर गिरा देते हैं, और इससे फ़ोन ख़राब होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप बच्चे के हाथ में देने से पहले इस तरह से एक छोटा सा ट्रिक ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से एसी का जो रिमोट है इसको भी आप इस तरह से कवर लगा सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में एसी का जो रिमोट है ना इसका जो सेल है ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है। मतलब ऐसे नॉर्मली कोई भी सेल थोड़ा सा डाउन हो जाता है रेनी सीजन में, तो आप इस तरह से एक प्लास्टिक का कवर अगर चढ़ा के रखेंगे ना तो इससे सेल का जो लॉन्गजीविटी है ना ये बढ़ती रहती है, मतलब ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो रिमोट को आप इस तरह से सिक्योर करके रख सकते हैं। तो टीवी का रिमोट हो एसी का रिमोट हो इसको आप इस तरह से कवर चढ़ा के रख दीजिए, और बच्चों के हाथ से भी ये सिक्योर रहेगा और हम बड़ों के हाथ से भी सिक्योर रहेगा। और देखिए मैंने किस तरह से रैप कर दिया है, और पीछे इस तरह से मैं टेप लगा के अच्छी तरह से सिक्योर कर लूँगी। और इसमें भी आप सोच रहे होंगे कि कवर चढ़ाने के बाद शायद ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत ही इजीली चलेगा, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने किस तरह से इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया है, अब मैं आपके सामने इसको चला के दिखा रही हूँ। देखिए मैं बटन प्रेस कर रही हूँ और इसका जो नंबर है ये किस तरह से चेंज हो रहा है। तो आसानी से ये सब छोटी मोटी ट्रिक ज़रूर अप्लाई कीजिए, और ये रेगुलर वाइज काम आने वाली बहुत ही एक यूज़फुल एंड हेल्पफुल टिप्स है, और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है रेनी सीजन में। हम लोग जब घर में झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा है ना इसको इस तरह से फेंकते हैं, ये वाला जो टूल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है जब हम लोग कूड़ा फेंकते हैं तो उसमें बहुत सारा हेयर भी रहता है और गंदगी भी रहता है, तो इसमें ना ये चिपक जाता है, और इसको यूज़ करने के बाद फिर से धोना फिर से सुखाना और फिर से रखना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, एक जो प्लास्टिक है आप इसके ऊपर इस तरह से पहना दीजिए। देखिए मैंने किस तरह से पहनाया है। अब इसके ऊपर जितना भी कूड़ा है ना आप आसानी से इसको रख दीजिए, मतलब जो भी झाड़ू है झाड़ू का जो भी कूड़ा है जो भी निकलता है तो आप इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए, और जब आप फेंकेंगे तो पूरा का पूरा जो प्लास्टिक है इस तरह से निकाल लीजिए, और निकालने के बाद डायरेक्ट आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, और देखिए ये एकदम नीट एंड क्लीन रह गया।
मेरे बच्चे तो अभी हॉस्टल में गए नहीं हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो माँ का थोड़ा सा मन होता ही है कि बच्चे के लिए थोड़ा सा खाना भेजे, कुछ हो, अचार हो या जो भी हो, थोड़ा बहुत भेजे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये जो बर्नी है ना कांच का, तो ये टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इसको पैकिंग कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो आप एक बड़ा सा प्लास्टिक ले लीजिए और एक जार को इस तरह से भर दीजिए, और जो प्लास्टिक है ना, आप इसको इस तरह से आप घुमाते रहिए, मतलब एक अच्छी तरह से एक नॉट बन जाएगी, तब तक आपको इसको अच्छी तरह से घुमाना होगा। देखिए मैं किस तरह से घुमा रही हूँ, और साइड में जो जगह बच गया है, वो जो सेकेंड वाला बर्नी है, आप उसको इस तरह से आप रख दीजिए। और रख देने के बाद इसको अच्छी तरह से आप टाइटली एक नॉट बांध लीजिए, ताकि ये खुले ना। देखिए मैं किस तरह से जो नॉट है इसको मैं टाई कर रही हूँ, और बहुत ही टाइटली आपको करना होगा। देखिए मैं किस तरह से जो नॉट है इसको मैं टाइटली टाई कर रही हूँ, तो बस ये सिक्योर हो गई है। देखिए दोनों जार में किस तरह से ये गैप है, मतलब ये जो नॉट है ये बीचों बीच आ रही है, और ऑपोजिट साइड में भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आसानी से आप इसको पैकिंग कर सकते हैं, और ये टूटने का खतरा एकदम भी नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं कांच की बोतल नहीं लेके मैं प्लास्टिक का बोतल मैं यूज़ करूँगी, तो मैं कहूँगी प्लास्टिक का बोतल में खाना मत दीजिए बच्चों को, आप कांच के जार में दीजिए और इस तरह से दीजिए, तो इसमें आसानी से आप पैकिंग करेंगे और ज़रा भी ये टूटेगा नहीं। सबके घर में ये जो झाड़ू है ना, ये तो होती ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है इसमें ना, इसका जो लॉन्गजेविटी है ये बहुत कम होता है, क्योंकि यूज़ करते करते ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है, खुलने लगता है, निकलने लगता है जो भी है। तो इसको आप सिक्योर कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप जो झाड़ू है इसको एकदम पूरी तरह से सिक्योर कर दीजिए, और सालों साल आपका झाड़ू एकदम नया जैसा रह जाएगा। इसके लिए आप ले लीजिए एक प्लास्टिक, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दीजिए। आप डबल ट्रिपल जिस तरह से हो सके आप फोल्ड कर लीजिए, मतलब जितना बड़ा आपका जो प्लास्टिक का साइज है उस हिसाब से, और इसको अच्छी तरह से आप हर तरफ रैप कर दीजिए। देखिए मैं किस तरह से रैप कर रही हूँ, मतलब जहाँ पर आपको लगे कि खुलने का डर है या टूटने का डर है, तो सिर्फ उसी जगह पे जो प्लास्टिक है आप इसको इस तरह से रैप कर दीजिए। अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से चिपकाना होगा, तो चिपकाने के लिए तो आग का ज़रूरत है, ये तो हाथों से नहीं होगा या टेप से भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने बर्नर ऑन कर दिया है, और ऊपर से हल्का हल्का मैं आँच देती रहूँगी और आँच देती रहूँगी, और एक रुमाल लेके इस तरह से मैं चिपका दूँगी। जब ये गर्म होता है ना, तो जो प्लास्टिक है ये बहुत ही आसानी से ये चिपक जाता है, और हाथ मत लगाइए नहीं तो जलने का खतरा रहेगा। तो आप एक रुमाल ले लीजिए और इस तरह से चिपकाते रहिए। तो देखिए मैं किस तरह से चिपका रही हूँ, और ये ना बहुत ही अच्छी तरह से ये एकदम चिपक जाता है, और ये जरा भी नहीं खुलता है, मतलब आपको कैंची से काटना पड़ेगा तब जाके ये खुलता है। तो देखिए किस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया। ठीक इसी तरह से झाड़ू को पकड़ने के लिए अगर आप ग्रिप लाना चाहते हैं, तो ये नुस्खा फॉलो कर सकते हैं, और प्लास्टिक का एक बहुत ही अच्छी तरह से एक कवर बना सकते हैं, और हाथों से पकड़ भी सकते हैं, और अगर आपका झाड़ू खुल रहा है तो ये भी ट्रिक अपना सकते हैं। मेरे सिंक में ना हमेशा बर्तन जमते रहता है, ब्रेकफास्ट का हो, लंच का हो, डिनर का हो, चाय का हो, जो भी हो। तो कभी कभी क्या होता है ना, हाथ में अगर कट लग जाती है, या कभी कभी अगर मेहंदी लगाती हूँ, तो ये जो बर्तन है ये धुलने के बाद ना ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो आप क्या कीजिए, एक प्लास्टिक पहन लीजिए हाथ में, और एक रबर बैंड से इस तरह से सिक्योर कर लीजिए ताकि ये खुले ना, और इसके बाद आसानी से जो भी यूटेंसिल से आप अच्छी तरह से वॉश कीजिए। और ये जो प्लास्टिक का कवर है, इसे आपका जो हैंड है ये जरा भी गीला नहीं होगा, और अगर आपके हाथ में कट लगा हुआ है तो इससे आप आसानी से जो काम है ये निपटा सकते हैं। और ये ट्रिक ना सबसे ज़्यादा काम में आती है विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में जो पानी है बहुत ज़्यादा ठंड होता है, चिल्ड होता है, तो इससे बचने के लिए ये कवर आप ज़रूर यूज़ कीजिए। देखिए आप मेरा हाथ देख सकते हैं, बर्तन धोने के बाद भी मेरा हाथ जरा भी गीला नहीं है, एकदम ड्राई है। घर के जितने भी बेसिन है इसको धोना तो रेगुलर का काम होता है, और मेरा तो ये रेगुलर काम है, कभी कभी दिन में दो बार भी मैं करती रहती हूँ, थोड़ा सा अगर कहाँ भी अगर गंदा अगर देख लूँ तो। लेकिन ये काम ना मैं नहाने के पहले करती हूँ, मैं एकदम ये सब क्लीन कर लेती हूँ, इसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। लेकिन कभी कभी जब शाम में करना पड़ता है ना, तो मैं इस तरह से एक कवर चढ़ा लेती हूँ, तो इससे मेरा हाथ जो है ये गंदा भी नहीं होता है, और बेसिन भी क्लीन हो जाता है, और पूरा जो प्लास्टिक है मैं इसको एकदम निकाल के फेंक देती हूँ। ये छोटी छोटी जो आइडियाज़ है आप आसानी से इसको ला सकते हैं, और ये कवर आपके हाथ के स्किन के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हार्ड पिक अच्छा नहीं होता है हाथ के स्किन के लिए।
इस तरह से आप एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा लीजिए और आपका जो बेसिन है, मतलब जो भी इस तरह से साफ़ सफाई का जो भी काम है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बस मेरा जो बेसिन है ये एकदम चमक गया। ग्रोसरी का जो भी सामान आता है ना, लाइक बिस्किट्स हो या कोई भी और कुछ सामान जो होता है, तो ये तो जार में हम लोग रिफिल करते ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होती है, जार हो जाती है छोटी और जो सामान हो जाता है ये हो जाता है बड़ा। तो इससे ये तो पूरा आता ही नहीं है, तो बाकी जो सामान है इसको वही जो पैकेट है उसी में रखना पड़ता है। और इसको ऐसे ही अगर रख देंगे ना, तो जो बाकी जो सामान है खासकर बिस्किट्स में, तो ये ख़राब होने का डर रहता है खासकर रेनी सीजन में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप प्लास्टिक में ही रखना चाहते हैं, मतलब ये वाला अगर पैकेट में रखना चाहते हैं, तो आप किस तरह से सिक्योर करेंगे। तो देखिए ये है एक क्लिप, तो ये क्लिप ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो मैंने यह दर्जन में ख़रीदा था और मैं इसको टाई करने के लिए यूज़ करती हूँ खासकर ये सब पैकेट्स। और इसको अगर रबर बैंड से टाई करने जाएंगे ना, तो जो एयर है ये पास होती रहेगी और जो आपका जो अंदर जो बिस्किट्स है ये ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए ये वाला क्लिप आप ज़रूर रखिए आपके किचन में। तो देखिए जब टाई करेंगे ना, तो इससे पहले बहुत ही अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। मैं किस तरह से कर रही हूँ देखिए, और ये फ़ोल्ड कर लेने के बाद जो क्लिप है आप ऊपर से इस तरह से लगा दीजिए और ये बहुत ही परफेक्टली एकदम सिक्योर हो जाएगी और कहीं से भी जो एयर है ये पास नहीं होगी और आपका जो बिस्किट्स है ये एकदम क्रिस्पी रहेगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी सामान है जो पैकेट में रह जाता है, तो आप क्लिप की मदद से आसानी से इसको रख सकते हैं। कुछ ऐसा बॉटल्स होता है ना, चाहे दवाई हो, सीरम हो, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर हम लोग कहीं बाहर घूमने गए, जर्नी करने गए, तो जब भी हम लोग ये लगेज में लेते हैं ना, तो यहाँ पर ये लीक होने का खतरा रहता है। और चाहे जितना भी आप टाइटली इसको सिक्योर कर लीजिए, ढक्कन को टाइटली बंद कर लीजिए, ये लीक होता ही होता है। तो चलिए अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं और ये सब चीज़ें आपको लेना पड़ेगा बैग में, तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो आप फिर से वही एक प्लास्टिक ले लीजिए और इसको थोड़ा सा आप इस फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से राउंड राउंड शेप में कट कर लीजिए। मतलब आपका बॉटल्स का मुंह जिस हिसाब से है उस हिसाब से, मतलब उस साइज से आप इस तरह से कट कर लीजिए। तो देखिए मैंने छोटा सा पीसेस कट कर लिया है और मैंने 3-4 बार फोल्ड कर लिया है ताकि एक साथ बहुत सारा पीसेस निकल के आ जाए, और मैंने इस तरह से राउंड राउंड शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद देखिए कितना सारा शीट निकल के आ गया। अब इसको कैसे यूज़ करें अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप जो बॉटल है इसको, मेन वाला जो ढक्कन है इसको आप इस तरह से खोल दीजिए और जो सीट है इसको आप ऊपर से इस तरह से रख दीजिए। और ये प्लास्टिक है, ज़रा भी ये लीक नहीं होगी, मतलब अगर लीक हो भी जाए तो आपका जो बैग है ये ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से आप पैक करके आपके बैग में आसानी से बेफिक्र होकर रख सकते हैं, कोई भी खतरा नहीं है। तो देखिए मैंने सीरम का जो मुँह है इसको किस तरह से सील कर दिया है। अब जो दवाई है इसको भी मैं इस तरह से सील कर दूँगी। और बच्चे के लिए तो दवाई ट्रबल में लेना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी है, तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए जो प्लास्टिक का सीट है मैंने इसको ऊपर में रख दिया है और जो ढक्कन है ऊपर से इस तरह से लगा दिया है। तो बस अब ये बैग में जाने के लिए रेडी है। ये जो बिस्किट्स का पैकेट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब इसका जो क्वालिटी होता है प्लास्टिक का, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है और अच्छा होता है और करीबन फॉइल पेपर जैसा ही होता है। तो ये ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये किस काम में आप लगाएंगे, तो चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको शेप में कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने साइड वाला जो पार्ट है इसको इस तरह से कट कर लिया है और पूरी तरह से इसको खोल दिया है। मैं ये वाला बॉक्स में ना मेरा जो पापड़ है, चिप्स है, मैं इसमें इसको भर के रख देती हूँ। लेकिन रेनी सीजन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जो भी पापड़ और चिप्स है ना ये एकदम नरम हो जाती है और तेल में जब फ्राई करती हूँ ना तो ये अच्छी तरह से फूलती नहीं है। तो इससे बचने के लिए ये जो प्लास्टिक है ना, बिस्किट्स का जो प्लास्टिक है, मैं इसको इस तरह से काट लेती हूँ और ऊपर इस तरह से देख के ऊपर से टाइटली मैं ढक्कन को लगा देती हूँ। और इससे ना जो एयर है ये बिल्कुल भी सर्कुलेट नहीं होती है और जो पापड़ और जो चिप्स जो भी आप रखना चाहते हैं ये एकदम फ्रेश एंड क्रिस्पी रहती है। तो इस तरह से 13 टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप अगर हाउसवाइफ्स हैं, अगर वर्किंग वूमेन हैं, फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, यही आशा करती हूँ। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।